ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.3, ये क्या कहता है जी? कह रहा लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर। एक है लैंप, दूसरा क्या हो गया कैपेसिटर, दोनों आपस में सीरीज में लगा रखे हैं। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस। ओके, एसी और डीसी में लगाया लैंप और कैपेसिटर को। व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। अगर कैपेसिटेंस को कम कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल है। लैंप मतलब बेटा एक रजिस्टर, लैंप रजिस्टर का रोल प्ले करता है, साथ में क्या लगा दिया एक कैपेसिटर लगा दिया, दोनों सीरीज में किस पे लगे, पहले लगा लेते हैं चलो डीसी सर्किट पे, ये लग गया डीसी सर्किट। फिर सेम लैंप सेम कैपेसिटर, ये स्विच भी लगा देते हैं, इस बार किस पे लग गए एसी सर्किट में, ये जो सिंबल है ये एसी का क्या हो गया सिंबल हो गया। लैंप यानी रजिस्टर, कैपेसिटर यानी कैपेसिटर, ये एक तरह का रजिस्टर, ये एक तरह का कैपेसिटर, आरसी सर्किट हो गया जी। अब अगर डीसी में लगा रहा है तो क्या होगा, मतलब प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया ये पता करना है। लैंप के बारे में बताना है कि लैंप जलेगी कि नहीं जलेगी, कम जलेगी ज़्यादा जलेगी। जैसे स्विच ऑन करेंगे, ये है डीसी सर्किट, इसमें स्टार्टिंग में तो कुछ करंट चलेगा, ठीक है जी। स्टार्टिंग में एक पल के लिए जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कुछ करंट चलेगा, उसके बाद जल्दी इसमें क्या आ जाएगी, स्टेडी स्टेट आ जाएगी, ठीक है जी। अगर स्टेडी स्टेट आ गई तो उसके बाद कैपेसिटर ने डीसी को क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि इनिशियली फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, मिली सेकंड के लिए, बल्ब विल ग्लो, मतलब एक फ्लैश आएगा, उसके बाद इनिशियली इट विल ग्लो थोड़े से समय के लिए, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगी, स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ने डीसी करंट को ब्लॉक करना होता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट आने के बाद फिर इसमें करंट ही नहीं रहेगा, डीसी को ब्लॉक कर देता है, और करंट ही नहीं रहेगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो। तो अल्टीमेटली तो ऑब्जर्वेशन ये है कि स्विच ऑन करने के बाद एक स्टार्टिंग में बस एक फ्लैश ऑफ लाइट आ सकता है, उसके बाद इसने बिल्कुल भी ग्लो नहीं करना, अल्टीमेटली बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है जी। अल्टीमेटली बल्ब ने बिल्कुल भी ग्लो नहीं करना है। अब आते हैं किस पे, एसी सर्किट में। एसी सर्किट में जब इसको ऑन करोगे तो इसमें ऐसा ब्लॉक ब्लॉक करने वाला चक्कर नहीं होता, कैपेसिटर कुछ ऑपोजिशन ऑफर करता है लेकिन इतनी नहीं करता कि ब्लॉक ही करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या ऑफर करते हैं, इम्पिडेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर ने एक्सएल ऑफर करना है जो कि किसके इक्वल होता है, 1/ωL यानी 1/2π𝜇 1/ωC, ठीक है। कैपेसिटर ने XC ऑफर करना है, कैपेसिटिव रिएक्टर, तो इट विल बी 1/2π𝜇 × C, ठीक है जी। जब आपने AC सर्किट लगाया तो इसने कुछ ना कुछ जो भी इसने इम्पिडेंस ऑफर करना था दोनों ने मिलकर, ठीक है, R और C सर्किट ने मिलकर वो ऑफर कर दिया, और करंट रहेगा एंड इट विल ग्लो, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि लैंप और बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग विद सम ब्राइटनेस। ओके, अब अगले पार्ट में इसने ये भी पूछा, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था कि इनिशियली कुछ मिली सेकेंड्स के लिए बल्ब ग्लो कर सकता है, उसके बाद बल्ब विल नॉट ग्लो। इसमें बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग विद सम ब्राइटनेस, जो भी इसकी ब्राइटनेस रही हुई। अब अगले पार्ट में ये बोला, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। सेकंड पार्ट का आंसर डीसी सर्किट में आ जाएगा, नो इफेक्ट, राइट। तो डीसी सर्किट में यहीं पे लिख देते हैं, नो इफेक्ट फॉर रिडक्शन ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के कम या ज्यादा होने से डीसी सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे जरूर फर्क पड़ जाएगा। अब देखो,
एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। आपने सी क्या कर दिया, रिड्यूस। सी रिड्यूस करने से एक्सी विल इंक्रीज। फिर उसके बाद होता है जेड। एक्सी बढ़ जाएगा तो जेड भी बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली करंट विल रिड्यूस। करंट रिड्यूस होने से ब्राइटनेस विल रिड्यूस। आपका वन लाइन आंसर है, अगर कैपेसिटेंस रिड्यूस कर दिया जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, यानी बल्ब विल शाइन विद लेस ब्राइटनेस देन बिफोर। तो अब इनको टू द पॉइंट बनाकर आप अपने हिसाब से लिख दिया करो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर उसने कम पूछा तो कम ही आंसर देना है। उसने सिर्फ ये पूछा है व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिड्यूस, तो आपका आंसर रहेगा नो इफेक्ट और इसमें आ जाएगा ब्राइटनेस विल बी रिड्यूस। ओके जी, तो इसको भी नोट वोट कीजिए। खैर ये नोट करने वाला नहीं है, समझने वाला, तो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप चलते हैं क्वेश्चन 7.4 पर।